हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फाइंडिंग मिशन वन का चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू पढ़ेंगे, जिसका यह पांचवा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से 31 के बीच में सॉल्व करेंगे। बाकी पीछे का चार वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हम लोगों को संख्या लाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किस रूल पे चलेगा उस रूल को हम लोग देखते हैं। यह जो सर्कल के ऊपर की जो संख्या है, इस सभी संख्या को गुणा करेंगे, और इसके नीचे की जो संख्या है, इन सभी संख्या को गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। देखिए कैसे, ऊपर क्या है, 5, 6 और 8, तीनों को गुणा कीजिए, 6 × 35, 8 × 3 = 24, 240 हुआ। और नीचे की जो संख्या है, 7 × 4 × 9, तीनों को गुना कीजिए तो आएगा 252। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 2, 9 और 4, 492 आ गया, जो कि बीच वाली संख्या है। सेम प्रोसेस में इसको भी हम लोग करेंगे, करके देखते हैं। ऊपर की संख्या क्या है, 5, 7, 4, दोनों को गुना करेंगे तो 140 आएगा। नीचे की संख्या क्या है, 6, 8, 9, 6, 8, 9, तीनों को गुना करेंगे तो 432 आएगा। अब इसको जोड़िए कितना आता है, जोड़ेंगे तो 572 आएगा। तो ये दोनों जो जिस रूल पे चला है, उसी रूल पे हम इसको लास्ट वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो ऊपर क्या क्या संख्या है, 4, 3 और 5, तीनों को गुना कीजिए तो 5 × 20 = 60, ठीक है। और इस तीनों को गुना कीजिए, 7, 2 और 5, 5 × 2 = 10, 7 = 70, दोनों को जोड़िए तो 6 × 12 = 130 हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 130 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, 130 यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। यह बहुत इजी है, इस टाइप का हम लोग पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं। देखिए, ऊपर की ये दोनों संख्या, इन दोनों का वर्ग निकाल कर जोड़ देंगे तो 2 का वर्ग क्या होगा 4 और 4 का वर्ग क्या होगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, जो कि नीचे वाली संख्या आ गया। ऐसे क्वेश्चन में अधिकांश यही होता है, ऊपर जो दो संख्या दिया रहता है दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो नीचे वाली संख्या आ जाता है। अब सेम वैसे ही करेंगे, 3 का वर्ग क्या होगा 9 + 9 का वर्ग कितना होगा 81, तो 81 × 9 = 90 आ गया, दोनों को जोड़ के। वही प्रोसेस अब यहाँ करेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25, और दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26, यहाँ पे 26 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए, रीजनिंग में क्या होता है कि हर क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे चलता है, हमें बस दिमाग लगाना होता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है, उसी पैटर्न पे को लागू करके हम लोग आगे का आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया था, तो उसमें क्या किया था, दोनों को वर्क करके जोड़े थे तो नीचे के आंसर आ जा रहा था। इसमें थोड़ा प्रोसेस अलग है, इसका प्रोसेस समझिए क्या है। ये जो दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 36। अब 36 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा ना, तो 6 आया तो ये 6 नीचे आंसर आएगा। सेम पैटर्न पे आगे सॉल्व करेंगे। अब 9 को 16 से गुना करेंगे तो 9 को 16 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 144। अब 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, तो ये नीचे 12 हो गया। अब इसी पैटर्न पे यहाँ पे हमें संख्या लाना, थोड़ा सा क्वेश्चन को टेढ़ा कर दिया, अगर यहाँ पूछता तो इजली आ जाता है, लेकिन यहाँ पूछा ऐसे टॉप नहीं है, बस थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों पैटर्न में हम लोग क्या किए थे, 16 को यहाँ जो संख्या था उससे गुना किए थे, तो मान लीजिए यहाँ जो ब्लैंक है 16 को ब्लैंक से गुना किए, तो जो आंसर आता था वो क्या होता था, जो दोनों का जो गुना होता था इसका वर्गमूल होता था ये नीचे वाली संख्या। तो हम लोग जैसे जानते हैं वर्गमूल इधर है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 का ये वर्ग हो गया, वर्गमूल बराबर के इधर से हट के बराबर के उधर गया, वर्ग हो गया। अब इसको तोड़िए तो यहाँ पे ब्लैंक एक तरफ रखेंगे और 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 × 20, और यह 16 जो है इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको कटिस कीजिए, 4 × 16 = 4, 5 = 20, 4 × 4 = 20, इसलिए ब्लैंक क्या हो जाएगा, 5 × 5 =
25, ये 25 जो है यहाँ पे संख्या आएगा जो कि ऑप्शन नंबर दो में है, यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, यहाँ पे हमें संख्या लाना है। इस कॉलम में देखिए ये जो ऊपर की तीन संख्या है, इन तीनों को गुना कीजिए तो नीचे वाली संख्या आ जाएगा। 5 6 30, 30 4 120, ये लास्ट वाली संख्या आ गया। सेम वैसे ही 6 7 42, अब 42 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 126 आ जाएगा। अब इसी पैटर्न पे लास्ट वाले कॉलम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 8 40, 40 तो हो गया। अब 40 में क्या चीज़ से गुणा करेंगे कि 320 लास्ट वाला संख्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 320 और इधर 40 जो है गुना में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, काटिए 8 4 32, इसलिए x बराबर होगा 8, यानी हमारी यहाँ जो संख्या आएगा वो क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, यह बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए इस कलम में ध्यान दीजिए, इस कलम में भी ध्यान दीजिए, ये जो पहले वाला खंड है वो दूसरे वाले खंड से छोटी संख्या है। इसमें क्या करना है, दूसरी वाले संख्या को वर्ग निकालना, उसमें पहली वाले संख्या के वर्ग निकाल के माइनस करेंगे तो तीसरी वाली संख्या आ जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ दूसरी वाली संख्या क्या है, 11, 11 का वर्ग करेंगे, माइनस पहली वाली संख्या क्या है, 1, 1 का वर्ग करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो 11 का वर्ग क्या हुआ, 121, और 1 का वर्ग क्या हुआ, 1, तो 121 में से 1 गया तो 120 जो कि तीसरी वाली संख्या आ गया। सेम पैटर्न पे दूसरे कॉलम को भी सॉल्व करेंगे, यहाँ दूसरी संख्या क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस पहली संख्या क्या है, 2, 2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कीजिए, 7 7 49 माइनस 2 2 4, तो 49 में 4 गया 45 जो कि तीसरी वाली संख्या आ गया। अब इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे तीसरे वाले कॉलम को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो तीसरे कॉलम में क्या है, दूसरी संख्या का वर्ग माइनस पहली संख्या का वर्ग, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 25, 3 3 9, तो 25 में से 9 गया क्या होगा, 16, तो 16 का यहाँ पे कौन सी तीसरी संख्या आएगा, 16 जो कि ऑप्शन नंबर दो में है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।